दोस्तों एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही शानदार न्यूज निकल कर आ रही है, इसलिए मैं जल्दी से ये वीडियो आपके पास लेकर आ रहा हूँ। इंडिया ने 59 ऐप्स को बैन किया है, जिसमें से मोस्टली ऐप्स चाइनीज है, और ऐसे में लिस्ट में टिकटॉक का नाम भी शामिल है। तो ये वीडियो आगे तक देखते रहिए, मैं आपको इसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें 59 ऐप्स के नाम हैं जिसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करने वाली है। इसमें कई ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स के नाम हैं, जैसे टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, और कई तरह तरह के जो चाइनीज वायरस हमारे देश में घुस गए थे उसको हमारी सरकार बाहर निकाल कर फेंक रही है और उन्हें बैन कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट बैन 59 मोबाइल ऐप्स विच आर प्री जुडिशियल टू सोवेरिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। तो ये बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, और वो लिस्ट भी आप देख सक रहे होंगे अभी 59 ऐप्स की जो ऑफिशियली बैन होने वाले हैं। और चारों तरफ बस एक ही चर्चा है कि फाइनली टिकटॉक बैन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे देश में बहुत ही अलग सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, आप जानते हैं सब। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 ऐप्स को बैन किया है ऑफिशियली, और ये वीडियो बस जितना हो सके आप फैला दीजिए, और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करना कि आपको कितनी खुशी हो रही है ये 59 ऐप्स की लिस्ट देखने के बाद। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्स एवर रीजन, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। विद दैट सेड, stay safe, stay home, stay happy wherever you are. This is Imran saying goodbye.